हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेटर एक्सप्लेनर और मैं हूं कमल। बच्चों आज हम सीखने वाले हैं भाग। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज़ आती होगी कि भाग हम क्यों करते हैं, तो पहले हम इसी को समझेंगे, उसके बाद समझेंगे भाग करते कैसे हैं और लास्ट में आसान तरीका भाग करने का। समझ में आया? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है भाग। भाग को इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है ये, ठीक है। तो ये तीन बातें तो पहले आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आते हैं हम सबसे पहला पॉइंट, भाग क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है कि हमको भाग करना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों भाग का मतलब होता है, भाग का मतलब आप समझ लीजिए, भाग का अर्थ होता है बराबर हिस्से। क्या होता है? बराबर हिस्सा। जब भी आपको बराबर हिस्सा करना होता है तो आप इस्तेमाल करते हो किसका? भाग का। नहीं समझ में आया? चलिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे मेरे पास 30 रुपये हैं, ठीक है बच्चों, मेरे पर्स में कितने हैं? 30 रुपये हैं। और 30 रुपये में देखो मेरे पास क्या क्या है, 10-10 रुपये क्या है, 10-10 रुपये के दो नोट हैं, ठीक है। और 5-5 रुपये के भी कितने हैं, 1 5 रुपये का है और 1 और 5 रुपये का है। आया समझ में आप लोग को? इस तरीके से मेरे पर्स में कुछ पैसे पड़े हैं। समझना बच्चों ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। और मुझे क्या करना है, इन 30 रुपये को दो भाइयों में बांटना है बराबर बराबर, ठीक है। एक का नाम राम है और एक का नाम क्या है? श्याम। अब मुझे क्या करना है, इन 30 रुपये को जो मेरे पर्स के अंदर हैं उनको मुझे राम और श्याम को बांटना है, ठीक है, और बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। तो कैसे बांटूंगा? तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो 10 रुपये हैं वो किसको दे दूंगा, वो रुपए दे दूंगा मैं राम को, दूंगा कि नहीं, ठीक है। और 10 रुपये किसको दूंगा, 10 रुपये दूंगा मैं श्याम को, सिंपल सी बात है। तो ये 10 रुपये मैंने राम को दे दिए, 10 रुपये किसको दे दिए, श्याम को दे दिए। अब बचे 5 रुपये और 5 रुपये बचे कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, 5 रुपये दे दूंगा मैं राम को और 5 रुपये दे दूंगा मैं श्याम को। आ गया समझ में? यानी कि अब हम देखेंगे, तो देखिए आप टोटल राम के पास कितने रुपए पहुंचे, 10 और 5 कितने हो गए, 15 रुपये। कितने रुपए पहुंच गए राम के पास, 15 रुपये। और श्याम के पास कितने रुपए पहुंचे, 10 और 5 15। बताइए बराबर हिस्सों में बढ़ गया कि नहीं। तो ये है कॉन्सेप्ट भाग का। भाग का मतलब ये है कि हमको क्या है, किसी भी संख्या को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना होता है। जैसे 30 को हमने बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया, 15 15, ठीक है। और ये है कितने हिस्सों में बांटा है, एक ये एक ये, यानी दो हिस्सों में। 30 को कितने हिस्सों में बांटा है, दो हिस्सों में। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, 30 को क्या करेंगे, 30 को भाग करेंगे, 30 के हिस्से करेंगे। कितने हिस्से करेंगे, एक दो दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 भाग 2। इसका मतलब यह है कि हमें क्या करना पड़ेगा, 30 में 2 का क्या करना पड़ेगा बच्चों, भाग करना पड़ेगा। आया समझ में? ठीक है, अगर मुझे 30 के दो हिस्से करने हैं तो मुझे कितना भाग देना है, 2 का भाग देना। अगर मुझे 30 के 3 हिस्से करने हैं, कितने हिस्से करने हैं, 3 हिस्से, तो मुझे क्या है, 3 भाग करने पड़ेंगे। आया समझ में आप लोग को? देखिए अभी समझते हैं, जैसे इसका भाग करना है मुझे, अब छोटा भाग मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका मुझे भाग करना है, तो सबसे पहले मुझे बच्चों भाग करते समय ये देखना है कि ये जो नंबर है 2 और ये जो नंबर है, इन दोनों नंबर को देखना है और यहाँ पे देखना है ये नंबर कैसा है, बड़ा है ना। ध्यान रखो ये वाला नंबर इस वाले नंबर से कैसा है, बड़ा है, तो हमको सिंगल में ही पहाड़ा पढ़ना है। और कितने का पहाड़ा पढ़ना है, 2 है यहाँ पे, तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है। पढ़िए 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 1 2 बराबर होना चाहिए। 2 का पहाड़ा तो आप जानते होंगे, मैं लिख लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, क्लियर। तो आपको 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो 3 से या तो बराबर हो जाए या 3 से कम रहे। चलिए तो 2 1 2 2 2 4 तो ज़्यादा हो रहा है 3 से, तो क्या करेंगे हम, कम वाले को पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 1 2 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब आपको लाइन खींचनी है, लाइन खींची और यहाँ पे लगाना है माइनस। माइनस का मतलब समझ गए ना, घटाना है। तो 3 में से 2 गए तो कितना आ गया, 3 में से 2 गए तो 1 आ गया, आ गया कि नहीं। अब बचा कौन यहाँ पे, 0। इस 0 को हम क्या करेंगे, आगे लिख देंगे, लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखिए ये दो है और यहाँ पे एक को देखो पहले, एक ये कैसा है बच्चों, छोटा है ना, दो बड़ा है और ये कैसा है, छोटा है। जब भी छोटा हो जाए ये तो आपको क्या करना है, पूरे डबल में पाड़ा पड़ना है, समझ में आया। बड़ा नंबर होगा तो सिंगल में पाड़ा पड़ना है और बड़ा छोटा नंबर हो गया तो डबल में पाड़ा पड़ना है, ठीक है। तो दो का पाड़ा आपको आपको किस में पड़ना है, दस में पड़ना है, पढ़िए दो का पाड़ा दस में। तो दो का पाड़ा पढ़िए, या तो दस हो आ जाए, दो के पाड़े में देखो या तो दस आ जाए या दस से कम रहे। तो देखिए दो एकन दो, दो दूनी चार, दो तीन छः, दो चौक आठ, दो पंचे दस, कितनी बार में आया, कितनी बार पढ़ा आपने, पढ़ा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, पांच बार में दस आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, पांच आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, दस आ गया, ठीक है। और ये हो गया जीरो। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ पे बच्चों ये हो गया आपका भाग। देखो इसका आंसर भी कितना आया था, पंद्रह आया था कि नहीं, तीस के हमने कितने भाग किए, दो, तो कितना आया, पंद्रह। और यहाँ पे भी दोनों का आंसर कितना आया था, पंद्रह आया। भाग का मतलब समझ में आ गया, जब भी आपको बराबर हिस्सों में बांटना है तो हमको क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बच्चों इसको बोला जाता है, जिसका हम भाग देते हैं उसे बोला जाता है भाजक, जिसका भाग देते हैं उसे क्या बोला जाता है, भाजक, यानी कितने हिस्से करनी है तो वो है भाजक, ठीक है। और जिसमें हम भाग देते हैं उसे बोला जाता है भाज्य, याद रखना बच्चों, जिसमें हम भाग देते हैं उसे क्या बोला जाता है, भाज्य बोला जाता है। और जो हमारा आंसर आता है उसे बोला जाता है भागफल, क्लियर हुआ, ठीक है। और जो नीचे बचता है, इसमें कुछ भी नहीं बचा, तो यहां पे क्या हो गया, शेषफल। आ गया समझ में आप लोगों को, ठीक है। भागफल किसको बोलते हैं, जो आंसर आता है उसे भागफल बोलते हैं, जिसका भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, और जिसमें हम भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं, और जो नीचे बचता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल। अगर हम इस सवाल की बात करें, यहाँ पे इस पूरे सवाल की बात करें, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे भाजक कितना है बच्चों, आप बताइए इसमें भाजक कितना है, भाजक इसमें है दो, क्योंकि कितने हिस्से कर रहे हैं हम लोग, दो, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाज्य कितना है, दूसरा क्या है, भाज्य और भागफल, और लास्ट में क्या है, शेषफल। ये सब कुछ आपको बताने हैं, आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना, अब ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भाज्य कौन है, जिसमें भाग दे रहे हैं, इसके चिन्ह के अंदर जो लिखा है, यानी कि तीस। भागफल कितना है, आंसर कितना आया, पंद्रह, ये लीजिए पंद्रह। और शेषफल कुछ भी नहीं है, यानी कि जीरो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सवाल। तो समझ में आया आपको किस तरीके से, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं तो आपको और क्लियर हो। अगला उदाहरण है हमारा यहाँ पे क्या, तीस रुपए को मुझे एक और दोस्त आ गया, राम श्याम के बाद एक और दोस्त आ गया, कौन आ गया यहाँ पे, उसका आ गया राम और श्याम के साथ एक और दोस्त आ गया, कौन आ गया, घनश्याम आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस तीस रुपए को अब कितने हिस्सों में बांटना है, तीन हिस्सों में बांटना है, क्योंकि भाग का मतलब क्या होता है, बराबर इससे। तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे कि नहीं। एक तरीका यह है कि मेरे पास तीस रुपए हैं, ये देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दस रुपए किसको दूंगा, राम को दूंगा, ऐसा ही करेंगे, बराबर बराबर देने ना। और दस रुपए किसको देंगे, श्याम को देंगे। और ये पांच पांच जो है, ये भी दस रुपए इकट्ठे करके हम किसको दे देंगे, पांच रुपए और पांच रुपए दोनों मिला के किसको, घनश्याम को। तो इसके पास भी कितने रुपए पहुंच गए, दस रुपए। यानी कि तीस को हमने तीन हिस्सों में बांट दिया तो कितने हो गए, दस, दस रुपए पड़ रहे, ठीक है। अगर हम इसको भाग में करें, कि हम सिंपल सी बात है, ऐसे हम कब तक करते रहेंगे, तो अब भाग में करते हैं इसको, ठीक है। भाग में कैसे, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे तीस के कितने हिस्से करने हैं बच्चों, तीस के कितने हिस्से करने हैं, एक दो तीन, राम श्याम घनश्याम, कितने हिस्से, तीन। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे तीन का भाग दे दिया, ठीक है। तीस में कितने का भाग देना है, तीन का। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे तीस लिखेंगे अंदर, और जिसका भाग दे रहे हैं, कितने भाग कर रहे हैं, उसको लिखेंगे बाहर। आगे समझ में आप लोगों को, ठीक है। छोटी संख्या आपकी क्या होती है, भाजक होती है, बड़ी संख्या क्या है, आपकी भाज्य है, ठीक है। अभी के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देते हैं, तो आपको अब क्या करना है, तीन और तीन को देखना है। ये देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, पहले सिंगल में देखते हैं, या तो बराबर हो या छोटा हो, ठीक है। तो ये देखो बराबर है, यानी कि हम सिंगल में ही पाड़ा पड़ेंगे, ठीक है। तीन का पाड़ा पड़िए, तीन से आगे नहीं जाए, तो तीन एकन तीन, तीन दूनी छः, छः तो ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तीन एकन तीन हो गया बच्चों। और ये क्या हो गया, यहाँ पे, यहाँ पे हो गया
तीन में से तीन गया तो क्या बचा, कुछ नहीं। अब आगे आएगा कौन, जीरो। तो थ्री की टेबल कितनी बार पढ़नी पड़ेगी हमको, ऐसा जीरो बार, तो थ्री की टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे बच्चों, जीरो बार पढ़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, जीरो, और ये क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, दस आ गया। हो गया समझ में, समझ में आ गया आप लोग को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा जो भाज्य है, हमारा भाजक कितना है, यहाँ पे भाजक कितना है, देखिए भाजक है हमारा तीन, कितने हिस्से कर रहे हैं, तीन, तो भाजक कितना हो गया, तीन। ठीक है, भाज्य कितना हो गया बच्चों, भाज्य तीस। ठीक है, और भागफल आंसर कितना आया है, आंसर बताओ, दस। ठीक है, और शेषफल कुछ बचा है कि नहीं, शेषफल कितना है, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि जीरो। इस तरीके से हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। आया समझ में आप लोग को, किस तरीके से करते हैं। एक उदाहरण और करते हैं, 36 में 46 पर हम कितने का भाग देंगे, पाँच का भाग देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 46 लिख लेंगे। ठीक है, और क्या बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, और कितने का भाग दे रहा है, पाँच का, उसे यहाँ पर लिखेंगे। ये काम करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना आप लोगों को, यहाँ पे आपको पाँच, यहाँ पे पाँच लिखा है, तो आपको पाँच की टेबल आनी चाहिए। ठीक है, आपको टेबल जरूर आनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है पाँच, और यहाँ पे कितना है, चार। पाँच और चार, चार कैसा है, छोटा है ना, और जब भी इस नंबर से ये वाला नंबर छोटा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, डबल में पाड़ा पड़ेंगे। कब डबल में पढ़ना है, समझ में आ गया आपको, जब भी ये वाला नंबर, ये जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर छोटा हो जाए इस वाले नंबर से, ठीक है, इस वाले नंबर से ये नंबर छोटा हो जाए, तो आप समझ लो हमको क्या करना है, डबल में पढ़ना है। ठीक है, तो डबल में पाड़ा पढ़ते हैं, पढ़िए डबल में। पाँच की ऐसी टेबल पढ़नी है कि 46 से आगे नहीं जाए, या तो बराबर हो जाए। तो पाँच की टेबल आपको आती होगी, ठीक है, पाँच, दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस, तीस, पैंतीस, चालीस, पैंतालीस और पचास, यही होती है ना पाँच की टेबल। अब आपको पाँच की टेबल ऐसी पढ़नी है, पाँच की टेबल याद कर लेना, ठीक है, अगर याद नहीं कर पाओगे तो भाग भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पाँच, पहले आपको टेबल याद करनी है, सभी टेबल याद करनी है, कम से कम 20 तक तो याद होनी चाहिए। तो पाँच की टेबल करते हैं, देखो, पाँच एकन पाँच, पाँच दूनी दस, पाँच तीन पंद्रह, पाँच चौक बीस, पाँच पंच पच्चीस, पाँच छः तीस, तीस तो अभी कम है, पाँच सत्तर पैंतीस, पाँच अठ चालीस, चालीस भी कम, पाँच नम पैंतालीस, और पाँच नम पचास, पचास ज़्यादा हो रहा है, तो कम वाले को लेंगे। कौन से वाले को लेते हैं, हमेशा कम वाले को। तो कितना होगा, पाँच नम कितना हो जाएगा, पैंतालीस। समझ में आ गया आपको, पाँच नम पैंतालीस, और यहाँ पे कितना बचा, छः में से पाँच माइनस कर दोगे, छः में से पाँच गया तो एक बचा, और चार में से चार गए तो कुछ नहीं बचा। हो गया, अब तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि ये पाँच से कैसा है, छोटा, आगे कोई नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका भागफल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, शेषफल, और ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।